वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सहज जोशी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वेरियस हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स और हेल्थ टिप्स को डिस्कस। आज मैं आपसे बात करूंगा ड्राई कफ के बारे में। अगर आपको ड्राई कफ का परेशानी है और काफी लंबे समय से आप ड्राई कफ से परेशान हैं, तो आप मेरा ये वीडियो आगे को पूरा देखते रहिए। मैं डॉक्टर जोशी, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बात करते हैं ड्राई कफ के बारे में। ड्राई कफ आखिर होता क्या है? ड्राई कफ जनरली एक कॉमन रिफ्लेक्स एक्शन है आपका, जो ब्रीथिंग पैसेज होता है और एयरवेज को उसको क्लियर करता है। जनरली ड्राई कफ एक ऐसा कफ होता है जिसमें कोई म्यूकस वगैरह नहीं होता है, और जनरली ये पर्सन के कॉन्टैक्ट अगर किसी बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया से हो जाए या कोई भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल से हो जाए, तो उस कारण आपको ड्राई कफ का परेशानी होता है। ड्राई कफ जनरली एक अनोइंग और ट्रबलसम कंडीशन है। इसमें पेशेंट जो होता है वो बहुत रेस्टलेस, बेचैन हो जाता है। जनरली ड्राई कफ के पेशेंट्स में उनको सांस लेने में दिक्कत होती है और सोते टाइम इनकी ये परेशानियां बढ़ जाती हैं। जनरली ड्राई कफ का प्रॉब्लम चिल्ड्रंस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और जो लोग सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव पीपल्स में ड्राई कफ और चिल्ड्रंस में ड्राई कफ के केसेस बहुत देखने को मिलते हैं। जनरली जो इसका मोस्ट कॉमन कॉज है ड्राई कफ का, ये है आपका वायरल इन्फेक्शन। अगर आपको कॉमन कोल्ड या फ्लू जैसा परेशानी है, कॉमन कोल्ड या कोई भी फ्लू से आपको परेशानी, कोई भी वायरल इन्फेक्शन से आपको प्रॉब्लम है, तो ड्राई कफ होने के बहुत अधिक चांसेस बने हुए रहते हैं। जनरली ड्राई कफ जो होता है ये कंटिन्यूस स्पाज्म में होता है और पर्सन को एंशियस कर देता है बिल्कुल। ड्राई कफ आपका एक रिजल्ट ओवर एक्सर्शन की वजह से हो सकता है, और एक ये साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो जनरली जिनको ड्राई कफ का प्रॉब्लम होता है, उन पेशेंट्स में जनरली कफिंग करने की हैबिट हो जाती है, और स्पेशली अंडर स्ट्रेस की कंडीशन हो जाती है, और विदाउट स्ट्रेस उनको बहुत सीवियर कफिंग का प्रॉब्लम होने लग जाता है। ड्राई कफ आपको बहुत अधिक दूसरे कारणों से भी देखने को मिलता है। अगर आपको GERD गैस्ट्रो इसियोफेजल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है, और उसके साथ साथ आपको वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है, तो तब भी आपको ये परेशानी हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ड्राई कफ के लिए, कि होम्योपैथी ड्राई कफ में आप लोगों को कैसे मदद कर सकती है। जनरली जिन पेशेंट्स को ड्राई कफ का प्रॉब्लम होता है, उसमें होम्योपैथी एक बहुत ही डायनेमिक लेवल पे काम करती है, बहुत अच्छे लेवल पे काम करती है, और पूरे आदमी को अंदर से पूरा स्वस्थ करती है, और बीमारी को बिल्कुल ड्राई कफ का जो प्रॉब्लम होता है उसको बिल्कुल जड़ से खत्म करती है। जनरली अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं, तो इसका एडवांटेज ये होता है ड्राई कफ के केसेस में, जो इसकी रिकरिंग टेंडेंसी होती है, मतलब जैसे आपको बार बार होने की ये परेशानी होती है, डिजीज प्रोसेस्ड बार बार आपको आता है, तो आपको ये परेशानी नहीं होगी। होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है ये नेचुरल सब्सटेंसेस से बनती हैं और बहुत ही सेफ होती हैं। अगर आप अदर कोई कन्वेंशनल ट्रीटमेंट लेते हैं, तो अदर जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट होता है, जैसे एलोपैथिक ड्रग्स वगैरह आप यूज़ करते हैं, तो ये जो आपकी बॉडी की नेचुरल हीलिंग प्रोसेस होता है उसको कम कर देता है और बॉडी को एकदम सुस्त और एकदम कमज़ोर बना देता है। लेकिन अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन कोई भी बीमारी के लिए यूज़ करते हैं, तो ये जो रेस्टोरेटिव प्रोसेस होती है बॉडी की, इसको मजबूत बनाता है, और मजबूत बनाने के साथ साथ जिस किसी के लिए भी, जिस किसी चीज़ के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसको कंप्लीट, उस पर्सन को हेल्दी बना देता है। होम्योपैथिक मेडिसिन अगर किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर से यूज़ करी जाए, उसकी निगरानी में यूज़ करी जाए, तो इन मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं होता है, और जनरली ये क्या करती है कि स्लो डाउन कर देती है बॉडी के प्रोसेस को। चलिए अब बात करते हैं कुछ टॉप ग्रेड्स होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैं अपनी क्लिनिक में यूज़ करता हूँ, ड्राई कफ के केसेस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इनके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। जो सबसे फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा तीन मेडिसिन, ब्राइनिया, ड्रोसेरा और स्टेनम मेटेलिकम। ब्राइनिया, ड्रोसेरा, स्टेनम मेटेलिकम। ब्राइनिया बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, बहुत अच्छा एक्ट करती है। अगर आपको ड्राई हैकिंग कफ है और आपको शार्प पेन है, अगर आपके चेस्ट रीजन में शार्प चुभने वाला पेन है, तो उसमें ब्राइनिया मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दूसरी दवाई है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा एक बहुत वेल इंडिकेटेड रेमेडी है ड्राई कफ के लिए। अगर आपको ड्राई कफ का प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से है और कंटिन्यूस है, ठीक नहीं हो रहा, वेरियस टाइप के ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा, और इसमें जो लैरिंग्स होता है, जो यहाँ पर को गले का अंदर का हिस्सा होता है, इसमें टिंगलिंग सेंसेशन होती है, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है, तो उस केसेस में ड्रोसेरा काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। स्टेनम मेटेलिकम एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है ड्राई कफ के लिए। अगर
पर्सन जिस पर्सन को स्टेनम मेटेलिकम यूज करनी पड़ती है वो पर्सन खांसते रहता है, हमेशा खांसते रहता है। इसके लिए उनके उन पर्सन के लिए जिनको ड्राई कफ का प्रॉब्लम है और सीवियर कफिंग का प्रॉब्लम है, तो स्टेनम मेटेलिकम बहुत अच्छी और इफेक्टिव रेमेडीज है। अगर किसी बच्चे को ड्राई कफ का प्रॉब्लम है, स्पेशली अगर चिल्ड्रंस को ड्राई कफ का प्रॉब्लम है, तो तीन स्पेसिफिक रेमेडीज मैं चिल्ड्रन के लिए बताऊंगा। सबसे पहली रेमेडी है कैमोमिला, दूसरी रेमेडी है सिनेगा और तीसरी मेडिसिन है स्क्विला। तीनों मेडिसिन बच्चों के लिए काफी इफेक्टिव है अगर बच्चों को ड्राई कफ का प्रॉब्लम हो रखा है। कैमोमिला उन केसेस में दी जाती है अगर आपको ड्राई कफ के साथ साथ हॉर्सनेस है, इरिटेबिलिटी है, और इसका हाइलाइटिंग सिम्टम ये होता है कि इसमें जो कफिंग का प्रॉब्लम होता है गुस्से के साथ कफिंग होता है, प्रोवोक्ड होता है, गुस्से के साथ आपको कफिंग का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। सिनेगा जो मेडिसिन है जो बच्चों के लिए है, ये ड्राई कफ के लिए है और इसमें पेन होता है, डिफरेंट टाइप्स के पेन होता है, चेस्ट रीजन में आपको अलग अलग जगह पे पेन होता है। और जो सिनेगा मेडिसिन है ये बेस्ट सूटेड होती है फैट और चबी चबी चिल्ड्रंस के लिए, जो थोड़े मोटे हो, थोड़े चबी टाइप के बच्चे हो, उनको ड्राई कफ का प्रॉब्लम हो तो सिनेगा काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। तीसरी मेडिसिन जो बच्चों के लिए इफेक्टिव है वो है स्क्यूला। स्क्यूला ड्राई कफ में काफी इफेक्टिव मेडिसिन है चिल्ड्रन के लिए, जिसमें जो बच्चा होता है वो अपना फेस रब करता है, अपनी हथेलियों से अपना बार बार फेस रब करता है और उसको कफिंग बहुत ज्यादा होती है, तो उन केसेस में, उन बच्चों के केसेस में सिनेगा काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। अब बात करता हूं अगर आपको ड्राई कफ का प्रॉब्लम है और स्पास्मोडिक आपको ड्राई कफ है, तो स्पास्मोडिक ड्राई कफ के लिए दो मेडिसिन काफी इफेक्टिव है, कोकोलस इंडिकस और एंटीमोनियम क्रूडम। कोकोलस इंडिकस और एंटीमोनियम क्रूडम काफी इफेक्टिव और अच्छी मेडिसिन हैं ड्राई कफ के लिए। कोकोलस मेडिसिन में ड्राई कफ होता है और स्पास्मोडिक होता है, स्पेशली ये होता है एनीमिक कंडीशन में और हिस्टेरिकल वोमेंस में ये परेशानी ड्राई कफ का होता है, तो उनके लिए कोकोलस मेडिसिन काफी इफेक्टिव और बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। एंटीम क्रूड मेडिसिन में ड्राई कफ का प्रॉब्लम होता है और एक बर्निंग सेंसेशन होता है, एक जलन जैसी आपके चेस्ट रीजन में होती है, और इसी अगर आपके बर्निंग सेंसेशन है चेस्ट रीजन में और आपको ड्राई कफ का प्रॉब्लम है, तो एंटीमोनियम क्रूडम होम्योपैथिक मेडिसिन से बिल्कुल 100% शॉर्ट हो जाता है। अगर आप सभी लोगों को मैं ये सलाह देता हूं कि अगर आपके कोई नजदीक में अच्छे कोई बढ़िया होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, कोई क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो उनसे जाके आप जरूर सलाह लीजिए। अपने मन से कोई भी इन मेडिसिन को सेल्फ मेडिकेट मत कीजिए, होम्योपैथिक डॉक्टर की निगरानी से अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आपका ड्राई कफ का प्रॉब्लम बिल्कुल 100% जड़ से खत्म होगा। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको मेरे द्वारा बनाया गया ये ड्राई कफ पे वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये ड्राई कफ पे वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय होम्योपैथी।